गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का 5th चैप्टर जो है जिसका नाम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका जो हमारा टॉपिक है गोल्जी एपरेटस, इसके बारे में स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने अदर ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा है, अभी हम गोल्जी एपरेटस जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, गोल्जी एपरेटस जो है सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया था उन साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्जी। इन्होंने नर्व सेल्स के ऊपर काम किया और फर्दर इनको जो है 1906 के अंदर नोबेल प्राइज जो है इनको मिला था, इसलिए नोबेल लॉरिएट है। इन्होंने अपना जो नोबेल प्राइज है एक और साइंटिस्ट जो थे उनके साथ शेयर किया था, तो शेयर्ड नोबेल प्राइज जो है इनको मिला था। अब गोल्जी एपरेटस के बारे में हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स, गोल्जी एपरेटस के फर्दर टू पार्ट्स हैं, वन इज ए वेसिकल एंड अनदर इज ए सिस्टर्ने। सो हम यहाँ डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं कि सिस्टर्ने और वेसिकल कौन से हैं। यहाँ पे जो पिंक कलर से जो शो किए गए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, वेसिकल्स हैं, और जो ये फ्लैट जो बनाए गए हैं लॉन्गिट्यूडनल ये क्या है, सिस्टर्ने हैं। सो ये हमारा गोल्जी एपरेटस का डायग्राम है। सो गोल्जी एपरेटस के पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन, वेसिकल्स और सिस्टर्ने। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेसिकल क्या काम करता है गोल्जी एपरेटस के लिए और सिस्टर्ने का फंक्शन क्या है। सो यहाँ पे गोल्जी एपरेटस के जो वेसिकल्स हैं उनका फंक्शन दे रखा है, उनकी शेप के बारे में बता रखा है कि वो किस तरह से काम करते हैं। सो वेसिकल्स जो हैं वो बिल्कुल राउंडेड जो हैं और फ्लैटेंड सैक्स होते हैं। सैक्स का मतलब क्या है कि एक थैली के जैसे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल कैसे होते हैं, गोल होते हैं और चपटे होते हैं। फ्लैटेंड का मतलब क्या है कि उनकी जो शेप है वो बिल्कुल कैसी है, चपटे हुए हैं वो। और जो सिस्टर्ने हैं, आपने देखा ही है सिस्टर्ने जो हैं वो फ्लैटेंड तो हैं लेकिन उनकी शेप जो है वो थोड़ी लंबी है, लॉन्गिट्यूडनली वो फ्लैटेंड है। सो फ्लैट शेप्ड लॉन्ग सैक्स, सैक्स हैं ये भी थैली की तरह ही है ताकि मटेरियल इनके अंदर से पास आउट इजीली हो सके। तो इस तरह से ये सिस्टर्ने हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके मेम्ब्रेन के बारे में। सो मेम्ब्रेन बाउंड राउंड स्ट्रक्चर्स। सो ये जो है वेसिकल्स जो है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं और इनकी जो शेप है वो कैसी है, बिल्कुल राउंड है, गोल है, और इनके ऊपर मेम्ब्रेन है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मेम्ब्रेन है, इसी तरह से गोल्जी बॉडी के अंदर भी क्या है, मेम्ब्रेन है। जो इसके वेसिकल्स हैं इनके बाहर भी क्या है, मेम्ब्रेन। इसका मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड है और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेले हैं। इस बात का हम स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे क्योंकि कुछ ऑर्गेनेले मेम्ब्रेन के बिना ही होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन है, कुछ के ऊपर डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले हैं। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। अब जो ये स्टैक्स हैं ये एक दूसरे के हम देख सकते हैं कि क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलली ये खड़े हुए हैं। जैसे कि रेलवे लाइंस जाती हैं जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, ट्रैक जो है वो बिल्कुल पैरेलल होता है एक दूसरे के, सीधी रेखा में चलते हैं और वो लाइनें कभी भी जाके मिलती नहीं है। सो ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इसी तरह से ये जो है सारे के सारे क्या है, पैरेलल हैं। मटेरियल टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए यहाँ पे ये ER का डायग्राम बनाया गया है, इसके अंदर जो मटेरियल बनेगा वो इस गोल्जी बॉडी के अंदर क्या होगा, पैक होगा, और किस फॉर्म में पैक होगा, इस वेसिकल्स की फॉर्म के अंदर पैक होगा। सो यहाँ पे जो वेसिकल्स शो किए गए हैं, ये वाले वेसिकल, ये वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका मतलब क्या है कि ये वेसिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हैं मटेरियल को लेके, इसके अंदर मटेरियल पैक्ड है। सो यहाँ पे मटेरियल जो पैक्ड है फिर इन सिस्टर्ने में से जाएगा, पास आउट होगा, उसको मटेरियल को मैच्योर किया जाएगा और फुल्ली मैच्योर्ड वेसिकल फिर इस सिस्टर्ने से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म के फर्दर पार्ट्स के अंदर भेजे जाएंगे, जहाँ जहाँ उनका इस्तेमाल होगा वहाँ वहाँ उनको भेज दिया जाएगा। सो देयर नंबर वेरी 4 to 8 सिस्टर्ने इन ए स्टैक। ये जो है एक पूरा एक स्टैक है, इसके अंदर इनका नंबर वेरी करता है, सेल टू सेल अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं उनके हिसाब से इसका नंबर वेरी करता है। किसी के अंदर 4 सिस्टर्ने हो सकते हैं, किसी के अंदर 5, तो इसका मतलब नंबर वेरी कितने से कितने कर रहा है, 4 से लेके 8 तक इसका नंबर वेरी करता है।
सिस्टर ने अरेंज नियर द न्यूक्लियस। अब देखिए ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये गोल्जी एपरेटस है। इसीलिए तीनों का डायग्राम जो है वो क्या बनाया गया है, साथ बनाया गया है। सो इतना जो ये पोर्शन है हमारा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है और ये जो नीचे का सारा पोर्शन है ये क्या है, गोल्जी एपरेटस का है। सो यहाँ पे ये जो गोल्जी एपरेटस है ये इसलिए साथ बनाया जाता है ताकि इनकी सभी की फंक्शनिंग आपको क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो यहाँ से मटेरियल चलेगा, इसके अंदर जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से, यहाँ से रॉ मटेरियल आगे प्रोटीन्स वगैरह बनेंगे और फिर वो वेसिकल्स के फॉर्म में गोल्जी के पास चले जाएंगे और फिर वो फर्दर ऑर्गेनेल्स के पास ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। सो सिस्टर ने जो है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास ही प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन जो है सेल के अंदर बिल्कुल साथ के साथ न्यूक्लियस के प्रेजेंट होती है। सो स्टूडेंट्स अब इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं हम कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला फंक्शन जो है इसका, द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर ईआर इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू द वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। अब देखिए यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो मटेरियल बनाया, जितना भी मटेरियल बनाया, जो भी प्रोटीन्स बनाए या हॉर्मोन्स बनाए, या क्योंकि वो हॉर्मोन्स जो हैं प्रोटीन्स के ही फॉर्म में बनते हैं, या एंजाइम्स बनाए या और कोई भी सब्सटेंस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया, वो सारा का सारा जो है कहाँ जाके यहाँ से पैक हो जाएगा, इस गोल्जी के अंदर पैकेज्ड होगा और फिर यहाँ से डिस्पैच कर दिया जाएगा। डिस्पैच का मतलब यहाँ से भेज दिया जाएगा अदर पार्ट्स में, जो हमारे सेल है उसके अदर पार्ट्स के अंदर उसको क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। तो ये मेनली इसका क्या है, फंक्शन है। अब इट इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अब यहाँ से जो ये वेसिकल्स निकले हैं, इन वेसिकल्स के अंदर कुछ के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए होंगे, उन्हीं को ही हम क्या नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स, वेसिकल्स। तो इन्हीं जो ये गोल्जी अपरेटस है ये मेनली वेसिकल लाइसोसोम्स को बनाने में भी क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ से लाइसोसोम्स भी मैन्युफैक्चर होंगे जो कि जो इससे अगला ऑर्गेनेल है सेल के अंदर गोल्जी के बाद, लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स लाइसोसोम्स जो हैं उनके अंदर क्या होंगे, हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन्स को, फैट्स को, इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकते हैं और जब सेल के अंदर सेल की डेथ हो जाएगी तो सेल को भी डिजोल्व कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो वो लाइसोसोम्स हमारे गोल्जी अपरेटस के अंदर ही क्या होंगे, मैन्युफैक्चर होंगे। अब इसका काम और भी है, स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। किस फॉर्म में स्टोर करने का काम भी है, वेसिकल जो है वो किसी भी मटेरियल को स्टोर कर सकते हैं, उसको पैकेज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये काम गोल्जी किस फॉर्म में करता है, वेसिकल्स की फॉर्म में, वेसिकल्स की फॉर्म में ही स्टोर करता है, वेसिकल्स की फॉर्म में ही पैक करता है और अदर मॉडिफिकेशंस वेसिकल्स की फॉर्म में ही कर सकता है। अब एक एग्जांपल दिया है मॉडिफिकेशन का कि जो हमारा गोल्जी अपरेटस है वो किस तरह से मटेरियल को मॉडिफाई करता है। सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इट मॉडिफाइज सम मॉलिक्यूल्स, इट एड्स शुगर टू प्रोटीन्स। अब देखिए हमारे पास कुछ प्रोटीन्स हैं या कुछ लिपिड्स हैं, उनमें क्या ऐड कर देगा, शुगर को ऐड कर देगा या लिपिड्स में शुगर को ऐड कर देगा। तो प्रोटीन का क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया या लिपिड का मॉडिफिकेशन कर दिया। तो जब प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हुआ तो ये बन गया क्या, ग्लाइको प्रोटीन्स, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज जो कि शुगर है उसको ऐड कर दिया प्रोटीन के साथ, तो ये क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन। या लिपिड्स के साथ ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, ग्लाइकोलिपिड्स बन गया। अब इसके बाद शुगर के अंदर भी क्या करता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है, सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर्स के अंदर बदल सकता है। जैसे सिंपल शुगर क्या, ग्लूकोज और राइबोज जो है ये क्या है, सिंपल शुगर हैं। अब इनको क्या कर देता है, कॉम्प्लेक्स शुगर के अंदर, जैसे स्टार्च है, स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, या जो हमारी
ग्लाइकोजन है, वो भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है। तो कई सारे जब सिंगल सिंगल यूनिट्स मिल जाते हैं सिंपल शुगर के, तो वो कॉम्प्लेक्स शुगर बन जाता है। सो गोल्जी जो है ये इनको कॉम्प्लेक्स शुगर में भी कन्वर्ट करने का काम करता है। इट मेक्स कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर्स। अब इसके डायग्राम की तरफ देखते हैं कि इसके डायग्राम में क्या होगा। सो यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो है इतना सा हमारा क्या है, गोल्जी है। गोल्जी के टू पार्ट्स, सिस्टर्ने एंड वेसिकल। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी मटेरियल बन के आता है वो इसके स्टैक्स में से पास होके इधर की तरफ मैच्योर होके और बाहर निकलता है। बाहर कहाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर, और फिर वेरियस पार्ट्स के अंदर इसको भेज दिया जाता है। ये मेनली इसका काम है। यहाँ जो वेसिकल्स बने हुए हैं, इस तरफ जो वेसिकल्स बने हैं, वो वेसिकल क्या कर रहे हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को लीव कर रहे हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है हम गोल्जी एपरेटस कह देते हैं, या गोल्जी बॉडीज कह देते हैं, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। ये इसके अलग अलग क्या हैं, नेम्स हैं। इधर जो वेसिकल्स आए हैं, ये वेसिकल्स जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आए हैं। सो स्टूडेंट्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये टॉपिक जो है 9th स्टैंडर्ड के लिए पूरा होता है। अब इसके फर्दर हम लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।